संबल में योगी की मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि संग्राम छिड़ गया। एक पुल के उद्घाटन के लिए पहुंची गुलाबो देवी के कार्यक्रम में कुछ लोग ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन गुलाबो देवी ने ऐसा तंज कस दिया कि लोग भड़क गए और जमकर नारेबाजी हुई। यहां तक कि साथ मौजूद मंत्री भूपेंद्र सिंह को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट में। पहले सफाइयों का संग्राम, फिर वकीलों का बवाल, संभल में आया पुल पर भूचाल। संभल में एक पुल फसाद की जड़ बना। पुल के उद्घाटन से पहले सफाई और भाजपाई भिड़ गई। मंत्री गुलाबो देवी इस पुल का उद्घाटन करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सफाई पुल का उद्घाटन करने चल दी। बोले, सपा ने पुल बनाया तो उद्घाटन भी हम करेंगे। इसके बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। एक बवाल थमा तो दूसरा शुरू। गुलाबो देवी के बयान से मच गया हंगामा। फिरोजपुर पुल का उद्घाटन करने के लिए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री गुलाबो देवी कार्यक्रम में पहुंचे। जैसे ही गुलाबो देवी ने संबोधन शुरू किया तो कुछ लोग ज्ञापन देने पहुंचे, जिस पर मंत्री ने तंज कस दिया। बोली, शोर मचाने वाले शोर मचाते रहेंगे, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। जब मंत्री भूपेंद्र सिंह गेस्ट हाउस पहुंचे तो गुलाबो देवी के खिलाफ नारेबाजी। भारी विरोध के बीच राज्य मंत्री गुलाबो देवी को गाड़ी में बैठकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकलना पड़ा, लेकिन इसी बीच भीड़ ने दौड़कर मंत्री की गाड़ी को घेरने की कोशिश की तो मंत्री भूपेंद्र सिंह गाड़ी से उतरकर पुलिस अधिकारी सीओ संबल को जमकर फटकार लगा और भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए कड़े निर्देश दिए और किसी तरह वहां से। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और आक्रोशित भीड़ के बीच हाथापाई थी और एक पुल फसाद की चढ़ गया। संबल से समाचार ब्लस्ट अभिनव माथुर की रिपोर्ट।